हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम क्लास 11th और 12th अकाउंट्स बिजनेस और इकोनॉमिक्स समझाते हैं, उसके अलावा थोड़ी बहुत बिजनेस का ज्ञान भी हम शेयर कर लेते हैं आपके साथ। पिछली वीडियो में इसी चैप्टर की जो गवर्नमेंट बजट हम लोग कर रहे हैं, दैट इज क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट बजट वी आर डूइंग। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करी थी और एक मैट्रिक्स बना के आपको समझाया था कि भाई चार कंपोनेंट्स हैं। आज उसमें से ही एक कंपोनेंट को मैं उठा रहा हूं जिसका नाम है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है भाई? ये वो रिसिप्ट है, देखो किसी भी रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट की कैटेगरी में आने के लिए दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। दो कंडीशंस फटाफट से देखो मेरी इस तरफ। पहली कंडीशन के उनकी वजह से कोई एसेट कम ना हो रहा हो, उनकी वजह से कोई एसेट कम ना हो रहा हो। अगर कोई भी रिसिप्ट ये कैटेगरी को, इस कंडीशन को फुलफिल कर लेती है तो वो इस कैटेगरी में आ सकती है, रेवेन्यू रिसिप्ट बन सकती है। तो कंडीशन नंबर वन, कोई एसेट कम नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर टू, कोई लायबिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए। अगर कोई रिसिप्ट की वजह से लायबिलिटी बढ़ती है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। तो दो कंडीशंस मैंने आपको बताई। एग्जाम में भी आपको डेफिनेशन के अंदर यही दो कंडीशंस लिख के आनी है, और किसी भी रिसिप्ट को अगर आपको पता लगाना है कि रेवेन्यू है या नहीं तो आप यही दो कंडीशंस देखोगे। टाइप्स पे आ जाते हैं कि किस टाइप्स की रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट के पास उपलब्ध है। तो दो टाइप्स की रिसिप्ट उपलब्ध है, एक टैक्स और एक नॉन टैक्स। टैक्स की मैं बात करूं तो टैक्स और ड्यूटीज, इसकी डेफिनेशन में आता है कि इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेस एंड ड्यूटीज। इंडिया में पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, लेकिन जब से जीएसटी आया है 2017 जुलाई 2017, जब जीएसटी एक्ट बना और जब से जीएसटी लागू हुआ है, 15 टाइप के टैक्सेस जीएसटी खा गया और 15 टाइप के टैक्सेस खत्म हो गए। अब एक जीएसटी चलता है, एक नहीं वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन टैक्सेस एंड ड्यूटीज क्यों बोला गया डेफिनेशन में, मैं वो बता रहा हूं कि जीएसटी तो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, जो हम देश के अंदर अंदर बिजनेस करते हैं उसके लिए। लेकिन अगर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कुछ लेना देना है तो उस केस में जीएसटी ना लग के कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगता है। तो वहां पे ड्यूटीज भी, जो कस्टम ड्यूटी है सीडी जो है, वो भी एक टाइप का टैक्स ही तो है, लेकिन हमने उसको नाम टैक्स देने की जगह ड्यूटीज दे दिया है, इसलिए इसकी डेफिनेशन में हमने सम टोटल ऑफ ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज नाम रखा है। अब ये देखो, टैक्स तो हर किसी के लिए देना कंपलसरी है, कोई बच तो सकता नहीं है कि भाई तुम आदमी हो तो चलो छोड़ो औरतों से टैक्स लेंगे, या औरत है तो चलो छोड़ो आदमियों से टैक्स लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। टैक्स तो सबको देना ही है, तो ये वो कंपलसरी पेमेंट है। ये क्या है, टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट है जो हर किसी को गवर्नमेंट को देना ही देना है। अब टैक्सेस के अंदर भी दो टाइप के टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स। देखो वापस आओ, टाइप्स या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने देखा था एक टैक्स सोर्स एक नॉन टैक्स सोर्स। नॉन टैक्स की तो अभी बाद में बात करेंगे, टैक्स की बात चल रही है। तो टैक्स सोर्स में भी या टैक्स रेवेन्यू में भी दो टाइप के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगाया जाए, यानी कि इनकम टैक्स। ये डायरेक्टली आपकी इनकम को खा जाता है और आपका पैसे खर्च करने की पावर, जिसको कहते हैं बाइंग कैपेसिटी, उसको एकदम खत्म कर देता है, डायरेक्टली खत्म कर देता है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। इसके बर्डन से आप बच नहीं सकते, इनकम हुई है, पैसा कमाया है तो देना तो पड़ेगा, ना ही इसको आप आगे किसी को पास ऑन कर सकते हो, तो मेरे बदले में तू टैक्स दे दे, या अपना जो मेरे को टैक्स देना था वो मैंने आगे किसी और से कलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको अगर टैक्स देना है तो आपको ही देना है, आप किसी के ऊपर इसका बर्डन पास ऑन नहीं कर सकते। यही पॉइंट हमारे पास आता है डीटी की डेफिनेशन में। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि नोट्स मेरे सामने खुले हुए हैं, मैं नहीं चाहता कोई भी पॉइंट आपका कट हो जाए, तो मैं आपको नोट्स बता देता हूँ। इट रेफर्स टू द टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज। तो ये इंडिविजुअल पे भी लगता है, कंपनीज पे भी लगता है, एंड आर पेड डायरेक्टली बाय देम टू द गवर्नमेंट। आप सीधा जाके उसको गवर्नमेंट के पास जमा करा देते हो, बीच में कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। पहला पॉइंट, इट इज इम्पोज ऑन इंडिविजुअल एंड कंपनीज, मतलब इंडिविजुअल पे भी लगेगा, ये कंपनीज पे भी लगेगा।
दूसरा लाइबिलिटी टू पे टैक्स एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स बोथ लाई ऑन द सेम पर्सन। वही मैंने आपको इस पॉइंट को सिंप्लीफाई करके बता दिया कि आपके ऊपर अगर टैक्स लगा है तो आपको ही देना है, आप किसी और पे इसका बोझ नहीं ट्रांसफर कर सकते। अच्छा सर, क्या हम टैक्स का बोझ किसी और पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पे जब मैं आऊंगा, इनडायरेक्ट टैक्स जब हम सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इस इनडायरेक्ट टैक्स का हम बर्डन किसी और पे भी डाल सकते हैं एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन, वो गलत नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स जो हमें देना था वो हम किसी और से दिलवा देते हैं, तो दिस इज इनडायरेक्टली इट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई गलती नहीं है इसमें। फिलहाल मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ता हूँ डायरेक्ट टैक्स के, जो कि है दे डायरेक्टली अफेक्ट द इनकम लेवल एंड परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, जो मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्टली आप लोगों की इनकम पे टैक्स लगता है और आपकी परचेजिंग पावर को कम कर देता है। ये तो था भाई डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स पे आ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था जीएसटी। तो ये दीज आर दोस टैक्सेस व्हिच अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनी दो देयर थ्रू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब ये इनकम पे तो असर डालेगा यार, टैक्स है तो आपकी इनकम तो कम करेगा ही करेगा ना, ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ पूछने वाला। टैक्स है तो इनकम तो कम होएगी होएगी, लेकिन पॉइंट जो है नोट करने का वो ये है कि ये तब ही आता है जब आप कंज्यूम करते हो। कंज्यूम करते हो मतलब जब आप कोई सामान खरीदते हो तब आपको ये टैक्स देना पड़ता है। अच्छा सर, अभी मैंने आपको दो टाइप के टैक्स बताए, एक इनकम टैक्स एक जीएसटी। आप मेरे को बताओ, एक क्वेश्चन है, मैं माइंड ब्लोअर आपके यहाँ पे छोड़ता हूँ, आपको देता हूँ इसका आंसर, मैं अपने इंस्टा पे अपलोड करूंगा, तो जाके मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, भार्गव _भारद्वाज के नाम से इंस्टा पे मेरी आईडी है, और वहां पे क्वेश्चन क्या है वो सुन लो, आंसर इसी वीडियो के कॉमेंट में बताना, और सही आंसर क्या है वो मैं अपने इंस्टा पे अपलोड करूंगा। क्वेश्चन ये है कि क्या इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में से कौन सा अच्छा है, या अगर हम सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें कौन से टैक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें कौन से टैक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सवाल है। आप मेरे को बताओ इसका जवाब क्या होगा कि भाई अगर हम गवर्नमेंट हैं, अगर मैं मान लो तुम्हें एक दिन के लिए मैंने प्रधानमंत्री बना दिया, तो तुम अगर प्रधानमंत्री हो तो तुम कौन से टैक्स पे ध्यान दोगे, तुम डायरेक्ट टैक्स पे ध्यान दोगे, इनकम टैक्स पे ध्यान दोगे, या इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पे ध्यान दोगे, कौन से टैक्स को तुम मजबूत करोगे, तुम कौन से टैक्स की पावर बढ़ाओगे, वो सारी चीजें देखने वाली होंगी। कौन कितना इनोवेटिव आंसर देता है वो मेरे को पता चलेगा आप जितना पार्टिसिपेट करोगे उससे। इनडायरेक्ट टैक्स के पॉइंट्स में आते हैं, दे आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स जो हमने पीछे पढ़ा था वो आपके इनकम पे लगाया जा रहा था, ये गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है। नेक्स्ट है लायबिलिटी टू पे द टैक्स एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स लाइज ऑन डिफरेंट पर्सन। ये मैं पॉइंट आपको आसान करके समझा देता हूँ, नोट्स के हिसाब से जाओगे, बुक के हिसाब से जाओगे तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा, थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो सुनो, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल मैं साइड में यहाँ पे चला दूंगा, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, एक बनाने वालों, मेरी फैक्ट्री लगी हुई है, मेरे को जीएसटी देना है मोदी जी को, ठीक है, जीएसटी देना है मोदी जी को क्योंकि मैं कोई गुड्स बना रहा हूं और जीएसटी गुड्स पे लगा, तो मेरे को वो जीएसटी जो लगा है मेरे गुड्स पे, मान लो 100 रुपए का गुड्स है तो 10 रुपए मेरे को मोदी जी को देने। अब मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ मोदी जी रुको 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 मोदी जी एक बात सुनो, मेरे को बस इस सामान को बेचने तक का टाइम दे दो, जब मेरा सामान मार्केट में बिक जाएगा और उससे पैसे आ जाएंगे तब मैं आपका टैक्स आपको दे दूंगा, जब मेरा माल बिक जाएगा और जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं आपका टैक्स आपको दे दूंगा। मोदी जी सोचते हैं चलो भाई ये बंदा है, पैसे तो अभी इसके पास होंगे नहीं, सारे फैक्ट्री में लग गए, चलो ठीक है दे देगा, विश्वास कर लेते हैं इस, तो ठीक है। मैं मार्केट में गया, मैं मार्केट में बताया कि भाई साहब मेरा प्रोडक्ट है 125 रुपए का, मेरा प्रोडक्ट है 125 रुपए का, तो आप मेरे पास आए, ठीक है, मेरी दुकान पे आए, आपने पूछा भाई साहब 125 रुपए का क्यों, मैंने कहा सुनो बैठो इधर मैं सामने आऊ, सुनो
देख भाई 100 रुपए तो मेरे को लगाने में लगे बराबर, 15 रुपए का मैंने इसमें अपना प्रॉफिट रखा बराबर, बिजनेस कर रहा हूं तो प्रॉफिट भी रखूंगा। आप कहते तो ये 10 रुपए ज्यादा क्यों, मैंने कहा सुन तो ले, 10 रुपए ज्यादा इसलिए क्योंकि मेरे सर पे मोदी जी खड़े हैं पीछे मेरी फैक्ट्री में, वो कह रहे हैं मेरे को टैक्स दे। भाई ये तो गलत बात है भाई साहब, आपका टैक्स है आप खुद दो, आपने ऐसा मेरे को बोला कि ये तो गलत बात है आपका टैक्स है आप खुद दो, हमसे क्यों टैक्स ले रहे हो। क्या और कौन किससे लूं टैक्स, और किससे लूं टैक्स, ऐसा मैं बोला आपको क्या और किससे लूं टैक्स, आप मेरा सामान खरीद रहे हो तो आपसे ही तो टैक्स लूंगा ना। कहते नहीं हम टैक्स नहीं देंगे, मैं तो मत खरीदो तो सामान, बहुत आसानी है मत खरीदो जाओ। कि नहीं सामान भी खरीदना जरूरी, अब सामान भी खरीदना जरूरी है और टैक्स देना भी नहीं चाहिए पर देना तो पड़ेगा, सामान यूज करना है, इसलिए बोला कि अगर आपको सामान को कंज्यूम करना है तो ये टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना टैक्स तो मत कंज्यूम करो। पर कितने दिन नहीं कंज्यूम करोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हफ्ता महीना, कभी तो भूख लगेगी, कभी तो जाके सामान खरीदोगे, जब खरीदोगे तब टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जो 10 रुपए मेरे को मोदी जी को देने थे मैंने वो 10 रुपए आपसे कलेक्ट कर लिए। आप बताओ आप क्या वो सामान आगे जाके किसी को बेचने वाले हो, नहीं आप तो खुद अपने घर में यूज करोगे, तो अल्टीमेटली वो 10 रुपए टैक्स के गए किसकी जेब से, आपकी जेब से, क्योंकि मैंने तो आपसे लिए मोदी जी को दे दिए। तो बर्डन था मेरे ऊपर पर मैंने वो बर्डन शिफ्ट कर दिया आपके ऊपर, ये इनडायरेक्ट टैक्स की खूबियां। और इसी एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको आंसर भी बता दिया अपने माइंड ब्लोअर क्वेश्चन का। अब जो समझदार है वो समझ जाएगा कि क्या आंसर है और किस पे ध्यान देना चाहिए एज अ गवर्नमेंट। अब जो नहीं समझ रहा है वो यार वीडियो को दोबारा से देख लेना। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात आती है। अच्छा मैं इस वीडियो को यहीं पे ही रोक रहा हूं, मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स बता दिए, टैक्स रेवेन्यू मैंने आपके साथ इस पार्ट में शेयर किया, नॉन टैक्स रेवेन्यू मैं आपके साथ अगले पार्ट में शेयर करूंगा, क्योंकि मैं वीडियो छोटी रख रहा हूं और ताकि आपको सीखने में जोर ना पड़े, बोरियत ना हो, इसलिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट डाउन योर आंसर्स, दैट्स ऑल।